स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व क्वांटम दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? ए नील्स बोहर, बी मैक्स प्लैंक, सी वन हाइजेनबर्ग, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर बी मैक्स प्लैंक। एक्सप्लेनेशन, 14 अप्रैल 2024 को भारत ने विश्व क्वांटम दिवस मनाया, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। विश्व क्वांटम दिवस क्वांटम सिद्धांत के अग्रणी जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणुओं और कणों के व्यवहार को उजागर करता है, जो हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनुराग कुमार, बी आदेश कुमार पांडे, सी नमन ओझा, डी अभिषेक सिन्हा। आंसर ए अनुराग कुमार। एक्सप्लेनेशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। अगला प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास दसले का आयोजन भारत और किस देश की सेना बीच किया जा रहा है? ए मंगोलिया, बी ब्राजील, सी उज्बेकिस्तान, डी जर्मनी। आंसर सी उज्बेकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दसले के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टमेज में किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न। IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या है? ए 6.2%, बी 6.4%, सी 6.5%, डी 6.8%। आंसर डी 6.8%। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जो इसके पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। अगला प्रश्न। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? ए मुस्कान सिंह, बी शैलजा सिन्हा, सी दीपिका कुमारी, डी शीतल देवी। आंसर डी शीतल देवी। एक्सप्लेनेशन, एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हॉन्गजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा? ए ऑस्ट्रेलियाई सरकार, बी न्यूजीलैंड सरकार, सी ब्रिटिश सरकार, डी कनाडाई सरकार। आंसर सी ब्रिटिश सरकार। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध बनाना है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में रजत पदक जीता? ए गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको, बी सई पाटिल और संजना फिलोचाको, सी लारिसा और संजना फिलोचाको, डी गुंजन अग्रवाल और साई पाटिल। आंसर ए गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम ने 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के स्काल्टुबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीते, जबकि हिसार की लारिसा और पुणे की साई पाटिल ने कांस्य पदक जीते। सभी 4 प्रतियोगियों ने EGMO में पदक हासिल किए। अगला प्रश्न। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? AIIT दिल्ली, BIIT मद्रास, CIIT वाराणसी, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आंसर डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एक्सप्लेनेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIS ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम को CBRI ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर ने किया। अगला प्रश्न। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए दुबई, बी नई दिल्ली,
सी अबू धाबी, डी ढाका। आंसर सी अबू धाबी। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जा रहा है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 19 अप्रैल। आंसर सी 18 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ICOMOS ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी थी। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का थीम विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। आंसर ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। GCP ने पिछले 2 महीनों में 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर को कवर करते हुए 500 से अधिक भूमि पार्सल में वृक्षारोपण को मंजूरी दी है। GCP का लक्ष्य गैर कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना है जो स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है, ये किस शहर से संबंधित है? ए कानपुर, बी पटना, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आंसर डी वाराणसी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। तमिलनाडु 58 GI उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान जिन वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। आंसर सी तीसरे। एक्सप्लेनेशन, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। अगला प्रश्न, IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ए डेविड वार्नर, बी रोहित शर्मा, सी जोस बटलर, डी विराट कोहली। आंसर डी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। MS धोनी IPL में 250 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक 249 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है। रोहित IPL के 250 मैचों की 245 पारियों में 6,508 रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर हरि कुमार, बी आर के धवन, सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी करमबीर सिंह। आंसर सी दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक्सप्लेनेशन, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर ए महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 150 मेगावाट की हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 460 मिलियन kWh स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। ये पहल महिंद्रा सस्टेन के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो 420,000 टन CO2 उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। ये परियोजना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सहस्थित हाइब्रिड पहलों में से एक है। अगला प्रश्न, स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? ए दुबई हवाई अड्डा, बी हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, सी चांदी हवाई अड्डा सिंगापुर, डी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली।
आंसर बी हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। एक्सप्लेनेशन, दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांदी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर रहा। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी के फटने से वहां के लोगों को निकाला गया? ए माउंट अगुंग, बी माउंट रीजनी, सी रुआंग ज्वालामुखी, डी माउंट मेरापी। आंसर सी रुआंग ज्वालामुखी। एक्सप्लेनेशन, इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। राख और धुआं 19 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया। सुनामी की आशंका पैदा हो गई। 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अगला प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए आर रहमान, बी श्रेया घोषाल, सी अलका याग्निक, डी अमिताभ बच्चन। आंसर डी अमिताभ बच्चन। एक्सप्लेनेशन, हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस साल होने वाले तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा 16 अप्रैल 2024 को मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। मंगेशकर परिवार ने लता मंगेशकर की याद में वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए शिखर धवन, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी एमएस धोनी। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच के दौरान रोहित ने टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की। मौजूदा सूची में क्रिस गेल शीर्ष पर है, जबकि किरण पोलार्ड 660 मैचों में 860 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? ए स्कॉटलैंड और आयरलैंड, बी यूएसए और बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, डी नेपाल और श्रीलंका। आंसर ए स्कॉटलैंड और आयरलैंड। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF नंदिनी ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की सह मेजबानी में 1 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ए राजकोट, बी सूरत, सी गांधीनगर, डी पूर्व अहमदाबाद। आंसर बी सूरत। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। अन्य सभी दावेदारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस के दो उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने और 8 अन्य उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद दलाल को विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी नीदरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। आंसर सी नीदरलैंड। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। अगला प्रश्न, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी मलेशिया, डी चीन। आंसर डी चीन। एक्सप्लेनेशन, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुण दीप राय, धीरज बोम्मदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष विकप फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम स्टेज 1 में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला 4था देश कौन है? ए भारत, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी चीन। आंसर ए भारत।
एक्सप्लेनेशन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष तीन देश थे। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया।